गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को तीन चार पूंजापति चला रहे हैं। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्वादी नहीं हूँ। ये सब हिंदू है मगर हिंदुत्वादी नहीं है। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्वादी। पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्वादी ने उनकी छाती में तीन गोली मारी। हिंदुत्वादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्ता रहा है। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है, हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है, हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। देश की आज जो हालत है शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार पांच पूंजापति के हाथ, हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में, मंत्री के ऑफिस में, आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को तीन चार पूंजापति चला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी। मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुल के आपसे बोलूं। आप जानते हो कि दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। क्या दो जीवों की एक आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, दो
शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है, हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और एक इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू
होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपने आपको यह भाषण क्यों दिया, क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और यह देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है मुझे दिखा दो, कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। यह लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है।
ये जादू कैसे किया? इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ तीन काले कानून। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सिलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। नहीं दबा जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता, 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, 7 साल में। जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है, कर्जा माफी की। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, चन्नी जी बैठे, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाइयों बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं।
आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।